TVS Raider 125 ये गाड़ी इंडिया में काफ़ी अच्छी सेल फिगर ला रही है। फाइनली कुछ अपडेट निकल कर आई है कि जो TVS की राइडर है इस गाड़ी में आपको कुछ नए नए चेंजेस वगैरह मिलने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में आपको हम राइडर में होने वाले नए चेंजेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना शुरू से लेके अंत तक का। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो यार जो राइडर अभी आपको मिलती है 125 सीसी में, इसकी सेल फिगर काफ़ी अच्छी है। नो डाउट राइडर जो है अभी आपको मिल जाती है 1,15,000 रुपये में ऑन रोड, जो कि आपको सिंगल डिस्क ब्रेक के साथ मिलती है और स्प्लिट सीट मिल जाती है। तो इसमें जो है इस प्राइस पॉइंट में काफ़ी अच्छी फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन अब जो है इस गाड़ी में आपको मिलने वाला है फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क का ऑप्शन। जी हाँ, राइडर अब आएगी डुअल डिस्क ब्रेक के साथ। और आपने भाई देखा होगा बहुत सी वीडियोस में कि जो गाड़ी का मीटर कंसोल है राइडर का, उसमें आपको ABS की लाइट वगैरह मिल जाती है। तो फाइनली जो राइडर है इस गाड़ी में अब आपको मिलेगा सिंगल चैनल ABS, जो कि स्विचेबल रहेगा, यानी कि सुपर मोटो ABS आपको मिलेगा राइडर में, जो कि आप ऑन ऑफ कर पाओगे। और राइडर जो है ये आपको 125 सीसी इंजन के साथ मिलेगी। इंजन में कोई भी फर्क नहीं आएगा, सिर्फ आपको जो है ट्यूनिंग का फर्क देखने को मिलेगा। जैसे कि भाई जो है इंजन में आपको थोड़ी बहुत पावर फिगर ज़्यादा मिल जाएगी, कुछ HP कुछ NM का टॉर्क आपको ज़्यादा मिलेगा। बाकी गाड़ी में आपको वही 5 गियर मिलेंगे। माइलेज जो है ये आपको 50 से लेके 60 के बीच में आराम से दे देगी। और टॉप स्पीड 3 से 4 किलोमीटर पर घंटा बढ़ जाएगी, इससे ज़्यादा आपको इंजन में फ़र्क नहीं मिलेगा। हाँ, अगर गाड़ी के भाई लुक्स की बात करें तो लुक्स में आपको डेफिनेटली काफ़ी सारे चेंजेस मिलेंगे। जैसे कि इसमें आपको बिल्कुल ही रिफ्रेश हेडलाइट मिल जाएगी, क्योंकि TVS अपनी बाइकों में बहुत ही ज़्यादा हेडलाइट को चेंज करते रहते हैं। जो प्लेसमेंट है DRL की वो चेंज होने वाली है, और चांस है कि राइडर में आपको प्रोजेक्टर में LED के लाइट्स मिल जाए। राइडर में जो है फ्रंट में आपको मिलता है 80/117 का टायर, तो अब चांस है कि इस गाड़ी में आपको फ्रंट में मिल जाएगा 90 सेक्शन का टायर। और पीछे आपको अभी मिलता है 100, तो चांस है कि आपको 110-120 के आसपास तक का टायर का प्रोफाइल मिल जाए। टायर भी वाइड हो जाएगा। साइज जो है व्हील का वो आपको 17 इंच के साथ मिलेंगे, और टायर्स जो है वो रहेंगे ट्यूबलेस, जो कि रेडियल तो रहने से रहे। बाकी इस गाड़ी में जो है आपको भाई FGT मिलता है, वो आपको ABS मिल जाएगा। अगर बात करें गाड़ी का मीटर कंसोल, तो मीटर कंसोल में नो डाउट अभी भी कोई भी कमी नहीं है, सिर्फ आपको 1-2 नेविगेशन और एक्टिवेट होते हुए दिखेंगे, क्योंकि भाई जो राइडर है इसमें ऐसे बहुत से फीचर्स हैं जो अभी तक एक्टिवेट नहीं हैं, लेकिन वो इंडिकेट करते हैं, तो वो फीचर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। बाकी कंसोल आपको 2 टाइप का मिलता है, एक मिलता है आपको डिजिटल और एक आपको मिलता है TFT, तो दोनों ही कंसोल अवेलेबल रहने वाले हैं। गाड़ी में जो है आपको बिल्कुल ही नए कलर्स और बिल्कुल ही नए ग्राफिक्स मिल जाएंगे। सीट वगैरह जो है थोड़ी सी और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। बॉडी वर्क जो है थोड़ा सा और हैवी और मस्कुलर रहेगा। ग्राफिक्स आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव मिलेंगे। फ्यूल टैंक आपको 10 लीटर का मिल जाएगा। वेट आपको 123 से लेके 125 kg के आसपास तक का मिलेगा। सीट हाइट काफ़ी डाउन है, नो डाउट 780 mm के साथ आती है। बाकी गाड़ी में जो है आपको स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, न्यूट्रल गियर, क्लॉक, गियर इंडिकेटर, सर्विस मैनुअल, लो बैटरी इंडिकेटर, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, और भी बहुत से फीचर्स मिलते हैं। गाड़ी में आपको LED का हेडलाइट, LED के टेल लाइट मिल जाते हैं नो डाउट, लेकिन जो ब्लिंकर से इंडिकेटर्स वो आपको LED के मिल सकते हैं विथ हजार्ड स्विच। तो आप लोग चाहो तो आने वाली नई राइडर 125 फेसलिफ्ट का वेट कर सकते हो। प्राइसिंग जो है मान के चलो 7 से 8 हज़ार रुपये बढ़ने वाली है, मतलब कि बेस मॉडल से स्टार्ट होगा 1,22,000 रुपये से, और टॉप वेरिएंट जाएगा 1,32,000 रुपये तक का, जिसमें कि आपको TFT स्क्रीन और ABS डुअल डिस्क मिलेगा। तो चाहो तो आने वाली नई राइडर 125 फेसलिफ्ट का वेट कर सकते हो, और ये गाड़ी लॉन्च हो सकती है आने वाले 2 से 2.5 महीने के बीच में, तो वेट बनता है। तो जो वीडियो है लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।